हाय होल्डर्स, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो पहली क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकाली थी कि रेन बीटीसी नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो कि बिटकॉइन को रैप करके एथेरियम प्रोटोकॉल में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अभी अभी एक न्यू फिगर आई है कि जो रैप बिटकॉइन है जो कि एथेरियम प्रोटोकॉल में यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, और जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस रैप बिटकॉइन में वो है WBTC। अब ये रैप बिटकॉइन होता क्या है? रैप बिटकॉइन एक तरह का, आप ये समझिए कि एक बिटकॉइन नहीं है, एक रैप बिटकॉइन इजकल टू 1 एक्चुअल बिटकॉइन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने समझा होगा कि डीफाई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप एथेरियम या और क्रिप्टोकरेंसीज को लेंड करके इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो कोई कस्टोडियल सर्विस यूज़ करेंगे और उसको अपना एक बिटकॉइन जो है वो दे देंगे, जो एक्चुअल बिटकॉइन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो वहाँ पे जमा कर देंगे और उसके बदले उन्हें एक रैप बिटकॉइन मिलेगा जो कि वो एथेरियम चेन पे यूज़ कर सकते हैं। और एक रैप बिटकॉइन की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो एक एक्चुअल बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर होती है। जैसा कि एक USDT की वैल्यू एक एक्चुअल USD के बराबर होती है, सेम वे में जो रैप बिटकॉइन होती है उसकी भी है जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो एक एक्चुअल बिटकॉइन के बराबर होती है। तो आप उसको एथेरियम पे बने हुए जो डीफाई के प्रोटोकॉल्स है वहाँ पे आप लेंड कर सकते हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हो। इस तरह से जो भी बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं एथेरियम के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर, जो भी डीफाई के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जैसे कंपाउंड हो गया या बाकी अदर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो 100 मिलियन का फिगर है ये दिखाता है कि जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट कमाने में एथेरियम के ऊपर जो बने हुए डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं। बिकॉज जैसे ही कंपाउंड का टोकन लॉन्च हुआ, कंपाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का आया और जो कंपाउंड में टोटल वैल्यू लोग थी वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं और आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्रिप्टो में और सारी चीज़ें आएंगी जिससे आप पैसा कमा सकते हो। पहले तो आप सिर्फ इन्वेस्ट करते थे और वेट करते थे कि वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अब वैल्यू बढ़ने के अलावा आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो और ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, डेरिवेटिव्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, अगर हम इसको क्रिप्टो में लेके आएंगे तभी क्रिप्टो का वाइड स्प्रेड यूज़ होगा और मास अडॉप्शन आएगा। तो ये जो है सारी कट, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये उसी की तरफ एक इशारा है। और रैप बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होना ये दिखाता है कि बिटकॉइन के जो कोर बिलीवर्स हैं वो भी अब इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं और वो बिलीव करते हैं कि एथेरियम के ऊपर जो डीफाई प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं वो आगे जाके काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट देने वाले हैं, जो कि वैलिडेट करता है कि जो डीफाई है वो नेक्स्ट बिग थिंग है क्रिप्टो की। सेकेंड न्यूज़ जो आई है वो आई है कॉइन स्विच की तरफ से। कॉइन स्विच जो एक इंडिया का एक्सचेंज है, उनके जो CEO है आशीष, उनका अभी एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने कहा है कि जो 2019 में जो ब्लैंकेट बैन लग सकता था इंडिया में वो अभी पॉसिबल नहीं है और ये नहीं लगता कि इतना बड़ा बैन इंडियन गवर्नमेंट लगाना चाहेगी। उसके पीछे के क्या रीजंस हैं? एक तो बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करती है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, और जो इंडियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट्स है जैसे तेलंगाना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक रखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि ब्लॉकचेन अच्छा है लेकिन क्रिप्टोकरेंसी बुरी है। तो इसको दूर करने के लिए जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं जैसे हम हैं जो क्रिप्टो में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारा यही इनिशिएटिव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें और जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा सिंपल इसका रीज़न ये रहता है या आंसर ये रहता है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग तो पहले भी होती थी जब बिटकॉइन नहीं था, आतंकवाद तो तब भी था, टेररिस्ट तो तब भी होते थे, उनके पास फंडिंग तो तब भी होती थी। तो जो फंडिंग है, टेररिस्ट फंडिंग है, उसको जड़ से मिटाने के लिए गवर्नमेंट्स को और रास्ते अपनाने पड़ेंगे, ना कि बिटकॉइन को आप बैन करके टेररिस्ट फंडिंग हटा सकते हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ को कम कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बिटकॉइन में होती है, ज़रूर होती है, बिकॉज आप किसी का नाम नहीं पता कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम बैंकिंग सेक्टर के थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बहुत बड़े बड़े बैंक्स इसमें फंसे हुए हैं और ये न्यूज़ में आता रहता है कि इस बैंक ने ये करप्शन करा, ये बैंक ने ये करप्शन करा। तो करप्शन हर जगह है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है और आगे आने वाले टाइम में इसमें और इम्प्रूवमेंट्स होंगी और ये आगे जाके और बढ़िया सिस्टम बनेगा। तो गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए, जो कि आशीष ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है और हम भी इसको बार बार प्रमोट करते हैं कि बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन, ओनली रेगुलेशन कैन।
बिकॉज बहुत सारे यूजर्स हैं इंडिया में जो क्रिप्टो को यूज़ करते हैं, तो आप उन पे ऊपर टैक्सेस लगा के एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कमा सकते हैं। एट द सेम टाइम बाइनेंस जैसी कंपनी जो $50 मिलियन का फंड लेके आई है इंडिया के लिए, ऐसे और भी फंड इंडिया में आएंगे अगर इंडिया इंकरेज करता है क्रिप्टो को और ब्लॉकचेन को। बिकॉज अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, आगे आने वाले टाइम में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में। इंडिया में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसीज का यूज बहुत ज्यादा हो सकता है। रीजन भी क्या है कि इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं जैसे कैनेडा, यूएस, यूके, और वहां से वो इंडिया में पैसे भेजते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए वो बैंकिंग चैनल का यूज़ करते हैं और उनको बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है, अराउंड 4% ऑन एवरेज उनका कट जाता है। तो ये 4% वो बचा सकते हैं बिटकॉइन से। रीज़न भी क्या है कि जो बिटकॉइन में अभी अभी एक ट्रांजैक्शन हुई थी जिसमें उन्हें $2 बिलियन के बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह भेजे और उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई थी वो आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ $7 आई थी। जी हाँ, $7 में आप $2 बिलियन भेज सकते हैं। अब इमेजिन करिए कि क्या ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो बिटकॉइन का और अदर क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूज़ की जा सकती हैं और गवर्नमेंट को इसको इनकरेज करना चाहिए। थर्ड न्यूज़ जो आ रही है वो डीफाई की तरफ से आ रही है। डीफाई का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बैलेंसर, जिसका अभी गवर्नेंस टोकन भी आया था, उनका प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर 24 घंटे के अंदर अंदर 2 अटैक हुए हैं। और पहले अटैक में जो हैकर्स हैं उन्होंने $5 लाख निकाले, और जो दूसरा अटैक हुआ वो काफ़ी छोटा था और उसमें सिर्फ और सिर्फ $2300 निकाल सके। और ये जो दोनों टैक्स हुए हैं उन्होंने उसमें कंपाउंड टोकन उठाए हैं। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जो बैलेंसर था उसको ये दिखाया कि उनके पास एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पूल में $33 मिलियन के कंपाउंड टोकन्स हैं, और उनको यूज़ करते हुए उन्होंने उसको सी टोकन में ट्रांसफ़र करके उसको सी टोकन को बैलेंसर के जो एक्सचेंज पूल था उसमें लेके आए और वहाँ से उन्होंने फिर ये पैसे उठाए। तो ये दिखाता है कि बैलेंसर में थोड़ी सी बग आ गया है और बैलेंसर ने कहा है कि इस बग को जल्दी फिक्स किया जाएगा, और उन्होंने रिवॉर्ड भी करेंगे उस डेवलपर को जिसने ये मई में बता दिया था कि ये बग है बैलेंसर में, और उसको वो रिवॉर्ड करेंगे और इस जो बग है इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आगे जाके कोई भी नुकसान ना हो और यूज़र्स के फंड को सिक्योर किया जा सके। तो ये दिखाता है कि डीफाई का जैसे जैसे वाइड स्प्रेड यूज़ होगा, स्कैम्स भी होंगे, फ्रॉड्स भी होंगे, हैक्स भी होंगे, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़िया सिक्योरिटी चाहिए होगी। तो जो भी डीफाई के प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा वैल्यू लॉक्ड है इस टाइम पे, जैसे कंपाउंड में $1 बिलियन लॉक्ड है। तो ये दिखाता है बहुत बड़ा एसेट क्लास बनता जा रहा है, और आगे आने वाले टाइम में अगर उनको यूज़र सिक्योरिटी और यूज़र की रिलायबिलिटी को बनाए रखना है तो बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो गाइस, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आर वीडियो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी जो न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ, और जो भी हमारा न्यू कंटेंट आता रहता है आप उसे इमीडिएटली देख सकें। हम और भी नई वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आप कौन सी वीडियोज़ चाहते हैं कि हम लेके आएँ। थैंक यू गाइस।